नमस्कार, स्वागत है आप सबका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर में। और जी हाँ, आज से हम ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है सीएसआईआर नेट का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और आप यहाँ पे एक सवाल देख सकते हैं जो कि 2011 में आए हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको एक साथ हम लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेकर के आपके सामने आएंगे और उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करवाएंगे। तो आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो एनालिटिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये पहला लेक्चर है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तीसरा लेक्चर है, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो सवाल है उसमें एक एफ ऑफ जेड दिया हुआ है, ठीक है, और वी दिया हुआ है। और तब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ आपका होलोमोर्फिक हो सकता है, और अगर होलोमोर्फिक, होलोमोर्फिक का मतलब क्या है, एनालिटिक, ठीक है, या रेगुलर, ये तीनों एक ही शब्द है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अब ये होलोमोर्फिक होगा तो उसके लिए च्वाइसेस ऑफ यू क्या होंगे, पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है एक रिलेशन है बहुत ही बढ़िया, इफ एंड ओनली इफ वाला, कि अगर आपका एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी, अगर यह फंक्शन एनालिटिक होगा तो इसके जो एफ ऑफ जेड के जो कंपोनेंट्स हैं यू और वी, ठीक है, यू भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, अगर एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी लिखते हैं, तो यू जो है वह भी हार्मोनिक होना चाहिए और वी जो है वो भी हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। तो अब यही सब चीज़ें जो है ना, मतलब कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिसिटी, कुसी रीमान इक्वेशन से कैसे इस रिजल्ट को डेराइव करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब ठीक है कि एग्जाम है तो हम मतलब जो है क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये चार क्वेश्चन, ये चारों ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे आए हैं। और वह जो कॉन्सेप्ट है वो है कि फंक्शन का एनालिटिक होना, और फंक्शन जब भी एनालिटिक होगा तो क्या होगा, फंक्शन आपका जब भी एनालिटिक होगा तो उस केस में आपका उसके जो कॉन्जुगेट्स होंगे यू और वी वो हार्मोनिक होंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों को हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो सीधा क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी अगर न्यू लर्नर भी है, ये कभी भी ये वीडियो देखेगा तो हार्मोनिक फंक्शन और एफ ऑफ जेड जो एनालिटिक है उसके बीच क्या रिलेशंस है उसको जानेगा, ठीक है। और उसके बाद उस पर जो भी चार पांच क्वेश्चन हम पाँच साल में आए हैं तो उसको हम एक साथ लेकर के आ गए हैं, तो इसी तरीके से अगले दिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। और इसी तरीके से 10 वर्किंग रूल जो है हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और आपके काम का जो भी चीज़ है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम और अधिक काम करें यूट्यूब पर। तो देखिए हार्मोनिक फंक्शन जो होता है उसके विषय में आप लोग जानते हैं ये चीज़ें, डेल टू वी बराबर जीरो, अगर डेल टू वी बराबर जीरो होगा तो कोई भी फंक्शन वी को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। अब लप्लास ऑपरेटर, यहां पे जो डेल टू है इसको हम लोग बोलते हैं लप्लास ऑपरेटर, ठीक है, लप्लास ऑपरेटर, मतलब कि वह और वी यहां पे एक्स और वाई का फंक्शन है। तो लप्लास ऑपरेटर टू डायमेंशन में भी होता है, थ्री डायमेंशन में भी होता है। यहां पे जो भी बात है वो हम सी प्लेन में बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम जो है यहां पे टू डायमेंशन में ही बात करेंगे। और ये डेल टू क्या होता है ये आप जानते हो, डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू, डेल टू बाय डेल वाई टू, ये आपका हो गया ये डेल, ठीक है, इसको बोलते हैं लप्लास ऑपरेटर, जिसको इन शॉर्ट ये भी लिखते हैं। और यहां पे ये जो v है ये अगर जीरो हो जाता है, यानी कि अगर आपका डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू अगर ये जीरो हो गया
तो आप क्या कहोगे कि आपका जो V है आपका हार्मोनिक फंक्शन है, V इज हार्मोनिक। ठीक है, तो यहां पे लप्लास ऑपरेटर को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो कुशी रीमान इक्वेशन है ये सबको पता है कैसे कुशी रीमान इक्वेशन डिराइव करते हैं, कहां से चीजें आती है। एफ ऑफ जेड आप ये भी जानते हैं कि अगर आपका फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, तो ये अगर एनालिटिक है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है ये आपको मालूम है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है सी आर इक्वेशन, कुशी रीमान इक्वेशन, जो कि क्या होता है यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। ठीक है, यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, ये नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई कुशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, नॉट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि नॉट एनालिटिक, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। बट इफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, मे और मे नॉट बी एनालिटिक। ठीक है, मे और मे नॉट बी एनालिटिक, तब वह एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन के दिनों से जानते हो। और सी आर इक्वेशन को डिराइव करना बहुत आसान है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड जो है वह डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर आप एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हो, वाई एक्सिस के अलोंग जाते हो, और दोनों ही पाथ के अलोंग जो डेरिवेटिव है, जो लिमिट है, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। उसका यूज करके आप ये निकालते हो यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के किसी भी किताब में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो कुशी रीमान इक्वेशन है ये आपका नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कुशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वह फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसमें कुशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है लेकिन वह जो है एनालिटिक नहीं है। हम बहुत डिटेल में चीज़ों को लेकर के डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सीधा उस कॉन्सेप्ट को बनाना है जिसपे किसी एसआईआर नेट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब एक चीज और, क्योंकि उस रिजल्ट को तो हम डिराइव कर देंगे बहुत हद तक, सफिशियंट कंडीशन क्या है, कब कह देंगे कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वह निश्चित तौर पे एनालिटिक होगा, तो सफिशियंट कंडीशन क्या है। सफिशियंट कंडीशन यह है कि ये जो यू एक्स है, ये जो वी एक्स है, ये जो यू वाई है और ये जो वी वाई है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, अगर ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस हो गए, जैसे आपने यू एक्स निकाला वो कॉन्टिन्यूअस, वी एक्स निकाला वो कॉन्टिन्यूअस, यू वाई निकाला वो कॉन्टिन्यूअस, वी वाई निकाला वो सब, सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस हो गए तो ये दोनों मिल जब जाएगा नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन कि भाई यू एक्स बराबर वी वाई हो जाए और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स हो जाए, उसके साथ साथ यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई ये सब कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तब आप इसको कलेक्टिवली कह सकते हो कि अब तो ये बात कंफर्म है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वह एनालिटिक है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि अब आप कह सकते हो कि आपका जो एफ ऑफ जेड है वह आपका क्या होना चाहिए, क्या होगा, एनालिटिक हो जाएगा। कब, जब आपका यू एक्स बराबर वी वाई, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, उसके साथ साथ यू एक्स वी एक्स यू वाई और वी वाई ये सब के सब कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, तब ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन होगा। सिर्फ कुशी रीमान इक्वेशन इज नॉट एनफ, बट कुशी रीमान इक्वेशन विथ दीज कंडीशंस आर एनफ टू से दैट योर फंक्शन इज डेफिनेटली एनालिटिक।
लेकिन जिस रिजल्ट की हम बात करना चाहते हैं, जिस रिजल्ट की हम बात करना चाहते हैं उसमें है ये हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं हार्मोनिक फंक्शन के लिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ देर के लिए अगर मैं आपको एक वी देता हूं इस तरीके से, 3x square y, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 2x पे कर लीजिए वीडियो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, 3x square y minus y cube plus 4। और आपसे अगर कोई बोल दे कि भाई ये जो है हार्मोनिक है कि नहीं है, ठीक है, तो देखिए क्या है कि नोटेशन से टेंशन नहीं लेने का है। अब मैं यहां पे वी एक्स जैसे ही लिखा ना, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल बी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो डेल बी बाय डेल एक्स निकालिएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6xy, क्योंकि y और 4 तो ट्रीट होगा कॉन्स्टेंट की तरह। और फिर जब वी एक्स एक्स, इसका मतलब इसको एक बार फिर से पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6y, क्योंकि इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया 6 और y को कॉन्स्टेंट लेते हुए। फिर इसी फंक्शन का v का आप क्या निकाल दीजिए, vy निकालना है तो vy निकालिए, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देख लीजिए y के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 3x square और यहां पे -3y square। एक बार फिर से y के रिस्पेक्ट में जब इसको कीजिएगा तो 3x square का 0 एंड -3y square का क्या हो जाएगा, -6y, ठीक है। तो यहां पे देखिए ना vxx यानी कि डेल टू वी बाय डेल एक्स टू इस फंक्शन के लिए लिख रहे हैं तो ये है 6y एंड डेल टू वी बाय डेल वाई टू इस फंक्शन के लिए है -6y, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आपका v जो है ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल हार्मोनिक फंक्शन का देना जरूरी था कि वह फंक्शन वह वी जो कि इस लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हार्मोनिक कहते हैं। अब वह कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट पे मतलब जो है CSIR नेट ने कई बार 4 बैक टू बैक लगातार जो क्वेश्चंस पूछे हैं उस पे आने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है जो कि है यू प्लस आयोटा वी, एफ ऑफ जेड आपका जो फंक्शन है वो अगर यू प्लस आयोटा वी है, जहां पे यू एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है, वी एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है, तो यह जो है एनालिटिक होगा। और यह एनालिटिक होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक, दोनों के दोनों हार्मोनिक होने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू ओके बराबर 0 होना चाहिए एंड डेल टू वी बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई टू ये भी 0 होना चाहिए। अब इसको अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कुछ हद तक, तो देखिए अगर आपका ये फंक्शन यू एक्स आपका एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन के लिए, तो यू एक्स बराबर आपको क्या वी वाई मिल जाएगा, यू वाई बराबर क्या माइनस वी एक्स मिल जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि एनालिटिक है तो ये चीज़ें तो होंगी, अब प्लस यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये सब के सब आपके क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। तो जब कॉन्टिन्यूस होंगे तो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ कीजिए तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एक्स। और यहाँ पे फिर अगर y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा यू वाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स वाई, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन के केस में वी वाई एक्स और वी एक्स वाई ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहां से यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई ये निकालिए ना, तो वी वाई एक्स एंड माइनस वी एक्स वाई ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0। तो यहां से क्या आ गया, u इज हार्मोनिक। फिर इसी तरीके से आप क्या शो कर सकते हो सिमिलरली, v इज हार्मोनिक। तो यहां से आपने क्या देखा कि निश्चित तौर पे अगर आपका जो फंक्शन है, हालांकि ये कंप्लीट प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी एक इंट्यूशन के लिए, कि जब भी आपका f ऑफ z u प्लस आयोटा v होगा
और यह अगर एनालिटिक होगा तो कुशी रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगा, सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूस होंगे, और साथ साथ ठीक है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई बराबर जीरो और वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई बराबर जीरो भी होगा, यानी कि यू और वी दोनों एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा ही होगा, तभी हम कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है F एनालिटिक है, तो U और V दोनों एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। तो देखिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट था हार्मोनिक फंक्शन एनालिटिसिटी है ना, उसको हमने डिस्कस कर दिया है, और इतना तो डिस्कस कर दिया है कि आप इस सवाल को बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप सबको ये जो सवाल है ये बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम सी टू सी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ जेड बराबर आपका है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और यहाँ पे जो है वी एक्स, देखिए वी एक्स वाई आपको क्या लिया गया है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये लिया गया है थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, थ्री एक्स वाई स्क्वायर ये आपका वी एक्स वाई है। तो कहता है कि क्या एफ होलोमॉर्फिक यानी कि एनालिटिक होगा फॉर एनी च्वाइस ऑफ यू। तो अब सबसे पहले तो आपका जो एफ है एफ ऑफ जेड जो कि है यू प्लस आयोटा वी, तो इसके एनालिटिक होने के लिए यू का हार्मोनिक होना और वी का हार्मोनिक होना बहुत जरूरी है। तो चलिए ना सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो वी है वह हार्मोनिक है या नहीं है। तो सबसे पहले वी एक्स निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा क्या थ्री वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर, और वी एक्स एक्स निकालेंगे तो वी एक्स एक्स यानी कि इसका, तो ये जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं वी वाई निकालते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो ये आपका हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई सिक्स एक्स वाई, और एक बार फिर से y के रिस्पेक्ट में अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 6x। तो यहां पे आप देखिए वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई बराबर क्या आ रहा है 6x, जबकि अगर यह हार्मोनिक होता ना तो c के किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि डोमेन पे हम लोग एनालिटिसिटी देखते हैं, तो f ऑफ z अगर एनालिटिक होगा तो C के किसी भी वैल्यू के लिए वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई जीरो होना चाहिए, जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू C, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लेना शुरू कर दें तो 6x तो जीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल C से कोई भी, जैसे आयोटा ही ले लीजिए, 6 आयोटा जीरो के बराबर नहीं है, तो हार्मोनिक नहीं हुआ इस डोमेन के अंदर। इसका मतलब आपका जो V है V इज नॉट हार्मोनिक, और जब यह हार्मोनिक नहीं है और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था कि एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका वी क्या होना चाहिए हार्मोनिक, यू क्या होना चाहिए हार्मोनिक। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई कि एफ जो है ये आपका एफ इज नॉट होलोमॉर्फिक फॉर एनी च्वाइस ऑफ यू, ये सही बात है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आगे बढ़ लेते हैं। एफ होलोमॉर्फिक कौन सी फॉर अ सूटेबल चॉइस ऑफ यू, ये तो गलत बात कह रहा है भाई। जब वी ही हार्मोनिक नहीं है और यू और वी दोनों का हार्मोनिक होना जरूरी है तो ये कहां से होगा। एफ इज होलोमॉर्फिक कौन सी फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ यू, ये तो और गलत बात है। अब वी इज नॉट डिफरेंशिएबल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कहता है कि वी डिफरेंशिएबल नहीं है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। काहे नहीं है डिफरेंशिएबल भाई, वी एक्स 3y स्क्वायर आया है, vy 6xy आया है, दोनों कॉन्टिन्यूस है। तो जब vx और vy कॉन्टिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस है, तो निश्चित तौर पे वो डिफरेंशिएबल होगा, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि v इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी गलत। तो ये जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए वो जो सवाल था 2011 में पूछा गया था, कितने आसानी से आपने कर लिया। ये सवाल 2012 में पूछा गया, उसी का चचेरा भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए u आपका क्या है, यू एक्स वाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है।
अब इसके लिए भी वही सवाल पूछा गया था कि हार्मोनिक होगा नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह का सवाल, बट उसमें वी दिया गया था, इसमें यू दिया गया। तो चलिए चेक करते हैं कि ये हार्मोनिक है कि नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6xy, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6y। ठीक है, तो यू एक्स एक्स आपका 6y आ गया। वी एक्स भी निकाल लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए, तो वी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपका आ जाएगा क्या, 6xy है कि नहीं। वी एक्स सॉरी यू एक्स, यहां पे जो नोटेशन है वी एक्स तो है ये नहीं है ना, यू एक्स आपने निकाल लिया है, यू वाई निकालिए है कि नहीं। सही बोल रहे हैं आप लोग, यू वाई। तो यू वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x² एंड यू वाई वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहां से देख लीजिए, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई ये आपको क्या मिल रहा है, 6y प्लस 0। तो यहां पे आप देखिए 6y भी जो है कॉम्प्लेक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी आपका हार्मोनिक नहीं है। तो जब u ही हार्मोनिक नहीं है, जब आपका u जो है वही हार्मोनिक नहीं है, तो फिर f के तो एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि f ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी है, तो यू का और वी का दोनों का एक साथ हार्मोनिक होना जरूरी है। तो यहां पे इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ वी, तो ये सही हो जाएगा, एफ इज होलोमॉर्फिक फॉर, फिर बिल्कुल उसी तरह का चॉइस दिया हुआ था बट वी के जगह पे यू दे दिया, कह रहा है यू इज नॉट डिफरेंशिएबल, काहे नहीं डिफरेंशिएबल होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ए इसका भी राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल आपका क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपका क्या है वो देखिए, इसमें क्या कह रहा है, f फ्रॉम c टू c बी एनालिटिक फंक्शन फॉर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, यू और v r स्क्वायर से r में हमने लिया है, यू एक्स वाई रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एंड वी एक्स वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड को डिनोट करता है। इसमें तो सब कुछ मतलब जो है ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये सब हमें पहले ही पता है कि एफ ऑफ जेड बराबर अगर यू प्लस आयोटा वी है तो क्या कहते हैं, निश्चित तौर पे इसका रियल पार्ट यू होता है, इमेजिनरी पार्ट वी होता है, तो ये सब लिख के एहसान थोड़े कर रहा है। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई पहले से मालूम है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो भैया एफ ऑफ जेड बराबर अगर यू प्लस आयोटा भी है तो यू हार्मोनिक होगा, तो यू हार्मोनिक होगा तो लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू। वी हार्मोनिक होगा तो वी हार्मोनिक होगा तो लप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है अगला ऑप्शन में, आप ये देख सकते हैं अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है, यू एक्स मतलब डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू एक्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स है, या फिर मान लीजिए आपके पास ये है डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, और आपके पास डेल यू बाई डेल वाई है, एक बार फिर से अगर आप इसको डेल वाई डेल एक्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, ओके। और अगर आपके पास मान लीजिए कि डेल यू बाय डेल एक्स है और फिर अगर आप यहाँ पे डेल वाई डेल वाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा, और इस दोनों का भी डिफरेंस जीरो होगा, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है प्लस, तो इसलिए ये गलत, तो ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है 2017 में पूछा गया था, यहां पे होलोमॉर्फिक फंक्शन यानी कि एनालिटिक दिया हुआ था और यू जो है रियल पार्ट ऑफ एफ है, वी जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ है, देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई के बारे में पूछा गया था। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी है और यह एक एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो निश्चित तौर पे अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और एफ डैश जेड बराबर होता है
यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ठीक है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ये आपका एफ ऑफ जेड होता है। इसमें दिया हुआ है एफ डैश जेड, इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक्स प्लस वाई का मतलब ही जेड है। तो आप यहां से देख लीजिए एफ डैश जेड का मॉड क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे होल स्क्वायर है तो ये फाइनली आपको क्या दे देगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर ये सही हो जाएगा। अब यहां पे यू एक्स स्क्वायर है, ये है यू एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे वी एक्स बराबर यू वाई, उसी रिमान इक्वेशन से वी एक्स बराबर माइनस यू वाई होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है यू एक्स स्क्वायर, तो यू एक्स बराबर वी वाई होता है उसी रिमान इक्वेशन से, तो यू एक्स के जगह पे वी वाई लिख देंगे तो वी वाई स्क्वायर, ठीक है, वी एक्स के जगह पे माइनस यू वाई लेकिन स्क्वायर करेंगे तो यू वाई स्क्वायर, तो ये भी सही, ठीक है। उसके बाद वी वाई स्क्वायर ठीक है, और यू वाई के जगह पे फिर से हम क्या यू वाई बराबर माइनस वी एक्स, लेकिन यहाँ पे जो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यू वाई स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर, तो ये भी सही। तो इस तरीके से क्या होंगे, ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आपको क्या कहा कि देखिए एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे चारों क्वेश्चन हो गए कि नहीं, तो ये आपका मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट नंबर वन है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर टू लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट से जो है प्रॉब्लम्स पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो आपका जो भी सजेशंस हैं वो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ही फायदेमंद होगा अगले वीडियोस के लिए। हम डेफिनेटली जो किस तरीके से आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे पूरा कोर्स डालना चाहते हैं सीएसआई या नेट के लिहाज से, तो उसके क्वेश्चंस के नेबरहुड में जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर से एक कॉन्सेप्ट को कंपाइल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल करके उस पर जितने भी क्वेश्चंस एक तरह के हैं उस सब को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अगर कोई सीएसआई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको शेयर डेफिनेटली कीजिए, डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट वे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो काफ़ी मतलब डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन सीएसआई नेट के लिहाज से हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका जो सजेशंस है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो डेफिनेटली अपने सजेशंस को कमेंट में डेफिनेटली लिखें और हम जो है इस कोर्स को कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।